अस्सलाम वालेकुम। आज लाई मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी कीमा आलू की मज़ेदार रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे आप रोटी के साथ, नान के साथ या फिर राइस के साथ सर्व करें तो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली कीमा आलू की ये रेसिपी। चलिए देखते हैं किस तरह से बनाई है मैंने। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में सिर्फ एक सेकेंड का टाइम लगता है। तो सबसे पहले ले लेना है एक कढ़ाई, इसमें डालना है 2 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करना है। तो यहाँ पे 10 से 12 काली मिर्च के दाने हैं, 1 तेज़पत्ता है, 4 लौंग है, 2 हरी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 बड़ी इलायची है। इसे अच्छी तरह से तेल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है ताकि इसकी खुशबू तेल में अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबाई में पतला पतला कट कर लेना है, इसे डाल देना है और इसे अच्छी तरह से हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा कलर इसका डार्क नहीं करना है, यानी डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो प्याज का कलर यहाँ हल्का सा चेंज हो गया, यानी हल्की गुलाबी कलर की हो गई है। तो इसमें कीमा ऐड करना है। तो 1/2 किलो कीमा लिया था मैंने, इसे अच्छी तरह से धो के एक छन्नी पे पहले रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसमें मैंने हड्डी भी डाला है, आप चाहें तो हड्डी नहीं डालें। इसे तेल में डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कीमे में से जब तक पानी रिलीज ना होने लगे बस इसे इस तरह से चलाते रहना है। तो पानी रिलीज़ होना शुरू हो गया है तो इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। नमक डाल देना है टेस्ट के हिसाब से, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और अच्छी तरह से इसे पकाते जाना है जब तक कीमे का पानी अच्छी तरह से सूख नहीं जाता। तो कीमे का पानी अच्छी तरह से यहाँ पे सूख गया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छी तरह से छील के कट करके डाल देना है। 4 से 5 चम्मच दही को फेंट लेना है, इसे डाल देना है। चार से पांच हरी मिर्च को बीच में से कट कर लिया है, इसे डाल दिया है। अगर आप तीखा खाना कम पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर दें या फिर एक ही डालें। 1 मीडियम साइज के टमाटर को कट करके डाल देना है। अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल देना है। तो 1 ग्लास भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है कीमे को अच्छी तरह से गलाने के लिए। अच्छी तरह से चला लेना है इसे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करना है, स्लो करके 20 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पे पका लेना है। आप चाहें तो ये प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं। तो 20 मिनट हो गया था, कीमा अच्छी तरह से गल गया है और आलू भी देखिए अच्छी तरह से गल गया है। तो एक आलू आपको कट करके दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी तरह से गल गया है। बस इसी तरह से हमें चाहिए था। अब गैस का फ्लेम हमें करना है फास्ट और इसे अच्छी तरह से भून लेना है कीमे को। अगर आपको ड्राई कीमा खाना पसंद है तो आप इसे इसी तरह से निकाल लें प्लेट में। मैंने यहाँ पे इसे सालन में बनाया है। तो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे 1/2 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी डाला है। अच्छी तरह से इसे चला लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है और ढक के 5 से 6 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पका लेना है ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए हमारी। पाँच से छः मिनट हो गया है, ढक्कन को मैंने हटा लिया है। तो ग्रेवी बनके तैयार है कीमे आलू की।
अब इसमें डाल देना है आधा चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से मसल के। थोड़ी सी हरी धनिया डाल दिया है मैंने इसमें। हरी धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद करना है और इसे सर्व करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी कीमा आलू की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी अगली नई रेसिपी मिले आपको सबसे पहले। तो रखिएगा अपना खूब सारा ख्याल, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।